क्या धूप में खड़ी कार के भीतर सैनिटाइजर बोतल से हो सकता है धमाका? इस समय जब दुनिया में महामारी से लड़ रही तो लोग वायरस को दूर करने के लिए हर तरीके का एहतियात बरत रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हैंड सैनिटाइजर की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जो लोग कार में रख रहे हैं सैनिटाइजर, देश दुनिया के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ती जा रही, तापमान में इजाफा होते जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि धूप में खड़ी कार सैनिटाइजर के बोतल से धमाका हो सकता है कि नहीं। हालांकि हाल में अमेरिका के विनकसाकिन फायर डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सचेत किया कि अथॉरिटी ने एक क्षतिग्रस्त कार की तस्वीर शेयर की, जिसमें कहा कि कार के अंदर सैनिटाइजर बोतल से विस्फोट होने से यह नुकसान हुआ है। पोस्ट में लिखा गया था कि अधिकतर सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड होते हैं, इसलिए ये ज्वलनशील होते हैं, और गर्म मौसम में धूप में खड़ी कार में ऐसी सैनिटाइजर को छोड़ दिया जाए तो धमाका की संभावना बनी रहती। हालांकि इसके बाद स्पोर्ट को हटा लिया गया, स्पष्टीकरण किया गया कि लेकिन इससे वाहन मालिक को जरूर सचेत सोचने होगा कि क्या यह सच है। आमतौर पर भारत में बिकने वाले सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा 40% तक होती है, कुछ ब्रांड इसको 70% तक होती है। ऐसे वस्तु में आग लगने या अधिक गर्मी की वजह से हो सकती है और यह काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि पूरी कार भी जल सकती है। पहले भी कई बार बॉडी स्प्रे, कार क्लीनिंग केमिकल से विस्फोट के मामले सामने आ चुके हैं। 70% अल्कोहल वाला सैनिटाइजर काफ़ी ज्वलनशील होता है, इसको रख रखाव बेहद सावधानी पूर्वक से करने की ज़रूरत है। यदि इसे धूप या गर्मी में अधिक समय तक रखा जाए तो इससे वाष्प बनने लगता है और कंटेनर के भीतर दबाव बढ़ने लगता है। यूएसए की फायर एजेंसी द्वारा किए गए वाहन सैनिटाइजर से आग लगने की यह कहना है कि लेकिन सबक सीखना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की ज्वलनशील वस्तुओं को कार में छोड़ना नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि महामारी से बचने के लिए सैनिटाइजर के साथ भी रखना जरूरी है, लेकिन इस सावधानी के साथ रखें और वायरस से बचा भी जा सकता है, जिससे कोई नुकसान नहीं।